अयोध्या में 5 अगस्त को राम मंदिर के लिए भूमि पूजन होने वाला है। इस भूमि पूजन के भव्य कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत करीब 200 लोग शामिल होंगे। भूमि पूजन कार्यक्रम के लिए भगवा रंग के निमंत्रण कार्ड छापे गए हैं। इस निमंत्रण कार्ड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा केवल 3 लोगों का नाम शामिल है, जो कि मेहमानों की सूची में की गई छटनी का संकेत है। भूमि पूजन कार्यक्रम के निमंत्रण कार्ड में पीएम मोदी के अलावा आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम दिखाई दे रहा है। निमंत्रण कार्ड में इन नामों के अलावा भगवान राम की तस्वीर भी है। जानकारी के मुताबिक सिर्फ 150 लोगों को ये निमंत्रण कार्ड भेजा जा रहा है। कोविड संकट के चलते इस कार्यक्रम में सीमित संख्या में ही लोग बुलाए जा रहे हैं। तो आइए आपको बताते हैं क्या है इस निमंत्रण कार्ड में खास। भूमि पूजन में करीब 175 मेहमानों को न्योता दिया गया है। इस कार्यक्रम में नेपाल तक के साधु संत शामिल होंगे। भूमि पूजन का कार्यक्रम बेहद खास है। इस कार्ड में सिक्योरिटी कोड लगाया गया है और इसी नंबर के आधार पर कार्यक्रम में प्रवेश मिल सकेगा। एक बार प्रवेश के बाद बाहर नहीं निकल सकेंगे। साथ ही कुछ खास नियम भी बनाए गए हैं, जिसमें मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, कैमरा ले जाने पर पाबंदी रहेगी। 5 अगस्त को किसी भी वाहन को अयोध्या में प्रवेश नहीं मिलेगा, बल्कि रंग महल बैरियर तक ही गाड़ियों को ले जाने की अनुमति होगी। सबसे खास बात यह है कि मेहमानों को सुबह 10:30 बजे तक प्रवेश सुनिश्चित करना होगा। देरी से आने पर प्रवेश नहीं मिलेगा। बता दें, भूमि पूजन का कार्यक्रम सुबह 8 बजे से 2 बजे तक चलेगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11:15 बजे तक अयोध्या पहुंचेंगे, जिसके बाद वे करीब 3 घंटे अयोध्या में ही रुकेंगे। इससे पहले वे हनुमानगढ़ी भी जाएंगे, जहां 7 से 10 मिनट तक वो पूजा आराधना करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी ग्रुप, दिल्ली। Thank you.